कुछ का ज्वाइन नहीं हो रहा। क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा जी उनका? कोई मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम बता सकता है जी? सर जी, अपडेट होने वाला होता है कि जूम जो है ना, वो अपडेट वर्जन में अब आ रहा है। तो अपडेट पहले किया जाता है, फिर उसके बाद ज्वाइन होता है। मेरा भी पहले ये इशू आ रहा था, जी मैंने बिल्कुल, अपडेट किया, फिर उसके बाद ज्वाइन किया। मोस्टली यही इश्यूज आ रहे हैं। असल में थोड़ा सा ना मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ बच्चों को इस मामले में। देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कोई एरर आता है ना, तो उसको एरर की अगर ना ना समझ आए तो उस एरर को थोड़ा सा स्टडी कर लिया करें। सेम मतलब सादा सी चीज़ ये होती है कि आप एज इट इज एरर को कॉपी करें और गूगल में जाके पेस्ट कर दें, वो आपको सोल्यूशन कोई ना कोई बता देगा। थोड़ी सी पढ़ने की आदत डालें यार अपने आप को। अगर ऐसा कोई इशू आए तो कोशिश किया करें उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश किया करें। बट ऑलमोस्टली आज भी कुछ कंप्लेन्स आ रही थी दूसरे ग्रुप में भी, तो उनमें यही हुआ है कि कुछ लोगों ने अपडेट किया जूम को, तो वो उनका शुरू हो गया मतलब चलना। अच्छा, कुछ बातें थी आज चीज स्टार्ट करने से पहले, अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले, वो आपसे थोड़ी सी बातें कर लूं। देखें, मामलात काफ़ी अनसर्टेनिटी की तरफ हैं। अभी कुछ पता नहीं है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पे जा रिलाई कर रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटी की जो असेसमेंट होती है, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? जी सर, आ रही है। यूनिवर्सिटी की जो असेसमेंट होती है वो अभी तक देखने में ये आई है कि आपको वो कोई टास्क दे देते हैं या कोई असाइनमेंट दे देते हैं, वो 2-3 घंटे में आपको कहते हैं कि वो जी आपने सबमिट करवानी है। मिसाल के तौर पर आपको एक पूरी केस स्टडी दे देंगे, कोई एक प्रोग्राम दे देंगे, उस प्रोग्राम को वो कहेंगे कि जी ये प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने कुछ 3 घंटे में इसकी व्हाट्सएप PDF बना के वो हमें सेंड करनी है, तो आपकी उस पर असेसमेंट होगी। दूसरी ये चीज़ है कि जी आपको मुमकिन है कि कोई MCQs टाइप को क्वेश्चन उन पे मतलब कर दिया जाए जी, उस पे आपके असेसमेंट ले ली जाए। क्योंकि वो जो टाइपिंग वाला है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं ले सकते, टाइपिंग वाला भी ले सकते हैं, पर मसला ये आता है कि हम लोगों की प्रैक्टिस जो होती है वो सारी पेन और पेपर पे होती है, तो टाइपिंग पे कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं। जब टेस्ट का एक चीज़ होता है उसका अलग एक खौफ होता है, फिर उसके बाद कुछ बच्चों की टाइपिंग स्पीड भी वैसी नहीं होती जितनी उन्होंने अपने माइंड में अज्यूम की होती है कि एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट देने हैं टाइप करने के लिए तो बच्चे जो है वो टाइप कर लेंगे। बहरहाल, दो बड़ी क्रीने क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये कहा कि आपको वो कोई असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट में कोई केस स्टडी होगी, उस केस स्टडी को आपने पढ़ना होगा, समझना होगा, समझ के उसका सोल्यूशन बनाना होगा। दूसरी चीज़ आपके पास जो आ रही है वो आ रही है जी MCQs। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंसेप्चुअल हैं, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही आपको इन चीज़ों की जो है समझ आना शुरू होगी। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अपने आप को कोशिश करें, आदत डालें वो ये जो हमारी कोर्स की बुक है कम अज़ कम वो पढ़ने की। अगर कोर्स की बुक समझ में नहीं आ रही तो मसला कोई नहीं है, आप वही सेम कंसेप्ट मतलब क्या करना है, सेम कंसेप्ट को आपने कॉपी करना है, कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करना है, वहाँ से कुछ आपको हेल्पफुल मटेरियल मिलेगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, यूट्यूब आपके पास है, ये सारी चीज़ें आपके पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हैं। अदरवाइज मेरे वाला ऑप्शन तो आपके पास ओपन ही है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें कि सर ये पर्टिकुलर लाइन है इसकी समझ नहीं आ रही, या ये कोड कैसे काम कर रहा है इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। हम लोग ना बाज़ औक़ात बुक पढ़ने से ना डर इसलिए लगता है कि यार 25-25, 26-26 चैप्टर हैं इसके, कौन बंदा मतलब पढ़े। वो ठीक बात है, हमने ये 25-26 चैप्टर पढ़ने भी नहीं है, क्योंकि ये जितना हमारे पास टाइम होता है 3-4-5 माह का, इसमें ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर भी नहीं सकते कि हम पूरे वो चीज़ों को ना पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देखें, आउटलाइन में आपको उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी सबके साथ?
ये सर आप, हो रही है, हाँ जी ये सर हो रही देखिए, है। आपको उन्होंने मतलब टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक के बाद उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 11 तक आप लोगों ने पढ़ना। अच्छा, इसमें चैप्टर 9 से चैप्टर 11 तक जो आप लोगों ने चीजें पढ़नी है, वो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। देखें, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको सीखनी चाहिए। वो स्किल क्या होती हैं, मतलब कुछ टेक्निक्स होती हैं कुछ चीज़ों को याद करने की या मेमोराइज करने की या उनको सीखने की। वो कुछ टेक्निक जो है ना वो सीखना शुरू करें, मतलब एक कह लें कि जी 3 R और ऐसी एक टेक्निक है, अब मेरे माइंड से स्किप हो गया, 3 RQ या इस तरह करके कोई एक टेक्निक है। होता क्या है उसमें, उसमें आप जब एक चैप्टर को स्टडी करते हैं ना, सबसे पहले आप ये नहीं कि चैप्टर को पूरा डिटेल से स्टडी करना शुरू करें, ऐसा नहीं होता। इंसान का जो दिमाग है ना, ये एक खास तरीके से काम करता है। ये अगर उसने कुछ चीज़ पहले सुनी हुई हो ना, उसके लिए वो चीज़ पिक करना आसान होती है। आप पहली बार ही नई टर्म सुनेंगे और उसको मतलब अगर आप करेंगे ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये समझ लें कि जी हमारे दिमाग की एक लिमिटेशन है, हमारा दिमाग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए ये एक टेक्निक मतलब कह लें कि जी मुतारफ करवाई गई थी, एक मतलब पूरी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी इसके ऊपर। और इस टेक्निक में उन्होंने ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें, मतलब आप अगर नेट से सर्च करेंगे ना, मैं आपके आपके साथ कुछ लिंक भी इसके साथ लिंक भी इसके शेयर करूंगा, तो उसमें सबसे पहले वो ये बताते हैं, जब आपके पास चैप्टर आ गया ना, आपने चैप्टर को पढ़ना नहीं है पूरा, आपने जस्ट उसकी पहले ओवरऑल हेडिंग पढ़नी है कि मतलब इस चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग है। पहली नज़र मतलब बर्ड आई व्यू आपने सारी हेडिंग उनकी ना देख ली, अब आपके माइंड में कुछ हिस्सा जो है उसका सेव हो गया। दूसरी बात, जब आपने रीडिंग करनी है ना, तो आपने थॉरली नहीं करनी उसकी, मतलब जो मतलब आपने देखें, जब आप कोई नाम सुनते हैं ना, तो आपके जहन में एक कोई आइडिया आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चेरी का नाम लेता हूँ, तो चेरी से ओरिएंटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आपका माइंड गैदर करना शुरू कर देता है। मतलब चेरी क्या है, चेरी एक फ्रूट है, अच्छा इसकी एक रंगत होती है, ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में इंटरलिंक होना शुरू हो जाती है। अब जब फिर आप हेडिंग के बाद, मतलब कोई भी आपने वर्ड पढ़ा, मतलब आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको बताया था कि जी पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ ये कह लेंगे, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मॉर्फ का मतलब होता है शक्लें, तो मतलब इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपने पॉलीमॉर्फिज्म को भी पहली गो में पढ़ना नहीं है। जब आपके पास दूसरा गो आएगा ना, दूसरे गो में आपने उसको थोड़ा सा स्टडी करना है, मतलब उसकी जो लाइनें है ना, मतलब उसका जो पैराग्राफ है, उसको बड़ा हल्का सा, बड़ा लाइटर नोट पे, दिमाग पे बोझ बना के नहीं उसको पढ़ना है। दूसरी बार आप पढ़ेंगे, चीजें आपको थोड़ी सी मतलब जो है ना, जो मतलब शेडी है, मतलब कुछ ऐसी हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रही थी, कुछ एम्बिगुअस थी, वो कुछ क्लियर होना शुरू होंगी। फिर आप तीसरी बार जब उसको थॉरली पढ़ोगे ना, तो वो चीजें आपको मजीद क्लियर होंगी। और मैंने क्लासेस स्टार्ट करते हुए भी आपको बताया था कि जो जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, ये बनते 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 हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स पहली मतलब ही आता है, मतलब खुदा की अता होती है कुछ लोगों को, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अमूमन जो मतलब हम एवरेज लोग हैं, जो मतलब मैं अपने आप को भी उसमें शुमार कर रहा हूँ, या बिलो द एवरेज लोग हैं, जो मतलब थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ती है, उनके लिए यही चीज होती है कि एक चीज को जब वो बार बार पढ़ते हैं ना, तब जाके उनके कंसेप्ट्स बनते हैं। तो कोशिश किया करें, ये देखें आपके पास पूरा एक वीक है, इस वीक के अंदर ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन। इसके बाद उसने चैप्टर 2 बताए हुए हैं आपको, और ये TB1 का मतलब है कि उसने आपको टेक्स्ट बुक 1 और टेक्स्ट बुक 2 बताई हुई है। टेक्स्ट बुक 1 कौन सी है, वो भी उन्होंने नीचे मेंशन की हुई है, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे, तो जस्ट अ मिनट प्लीज जी। ये देखें जी, ये जावा ग्राउंड अप, सॉरी जावा प्रोग्रामिंग फ्रॉम ग्राउंड अप, राल्फ ब्राबको, ये टेक्स्ट बुक 1 है, और आइवर हर्टन, बिगिनर ऑफ जावा। दोनों बुक बड़ी अच्छी हैं, मैंने इनको स्टडी किया हुआ है। मेरे पास आइवर हर्टन की भी बुक यहाँ पे खुली हुई है, और दूसरी जावा ग्राउंड अप, वो भी मेरे पास बुक है, और मुमकिन है मैंने ये आप लोगों के साथ दोनों बुक्स शेयर की हुई हैं।
तो ये दोनों बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये ग्राउंड अप वाली बुक है। तो बुक आपने कैसे पढ़नी है, सिंपल, आपने शुरू से स्टार्ट नहीं करनी। आपने जो उसने आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, जैसे हमने आज एक टॉपिक स्टडी किया, उस टॉपिक को जाके आपने वहां से उसके सामने चैप्टर देखना है, और चैप्टर को जाके आपने पढ़ना शुरू करना। और पढ़ना कैसे है ये भी मैंने आपको टेक्निक बताई है। दो टेक्निक अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अपनी मतलब सेट कर लेते हो ना, तो आप समझ लें कि आप एक कामयाब स्टूडेंट हैं। वो टेक्निक कौन कौन सी है? पहली टेक्निक कि आपको लर्न करना आना चाहिए, मतलब पढ़ना आना चाहिए। कोई भी टेक्निक आप उठा लें जिससे आप मतलब इन चीजों को पढ़ सकते हैं। और दूसरी ये है कि आपको पेपर अटेम्प्टेशन आनी चाहिए कि पेपर में डिमांड क्या कह रहा है और आपने असेसमेंट कैसे देनी है। इसमें मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ता। थोड़ी सी टेक्निक होती है, थोड़ा सा मतलब उनके साथ आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ता है। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो ये काम बड़े इजी हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है जी सबको? को किसी को क्वेश्चन? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, अब फिर इसको ना आपने असाइनमेंट नहीं समझना, ना इसको आपने अपने जेन के ऊपर कुछ स्वार करना है। इस चीज को देखो, ये कुछ टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एक फाइनल क्लास है, नेस्टेड क्लास है, और इनर क्लास है। ये तीन टॉपिक हैं। इन टॉपिक को बुक 2 से जाके चैप्टर 5 से जाके आपने रीड करना है। रीड करके इसकी आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो मेरे साथ चाहे मैसेज पे शेयर कर लें, चाहे आप उसको जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। बल्कि मुझे यही ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मुझे ना ये तीन जो है ना, इसके पास ये चीजें, इनकी डेफिनेशन, इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और इनकी एक एक एग्जाम्पल, मतलब फाइनल क्लास इसकी डेफिनेशन, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और इसकी एक एग्जाम्पल, नेस्टेड क्लास और इनर क्लास, इनके भी ऐसे ही जो भी टाइप्स वगैरह आती हैं, ये आपने पढ़ के समझ के और तसल्ली करके अपनी, फिर इसको राइट करके, मतलब बाई हैंड राइट करके, राइट करने के बाद इसकी आपने पीडीएफ बना के तो वो मुझे आपने सेंड करनी है। असाइनमेंट नहीं है ये, पर ये जस्ट इस वजह से है कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आए कि जी आज जो बातें की हैं उन बातों की इंपॉर्टेंस क्या। ठीक हो गया जी, समझ आ गई सबको टास्क की? यस सर। चलें जी, अब थोड़ा सा ना कोड करते हैं, लेट्स कोड। कोड में आज हम क्या देखेंगे? अच्छा, कंप्यूटर साइंस में लीनियर सर्च किया हमने जी। यस सर, की थी लास्ट टाइम। लीनियर सर्च हमने की थी जी, वो सी वालों को तो मैंने करवाई थी, आपको याद करवाई। सर बुक दोबारा शेयर कर दें। चले, मैं बुक भी जो है दोबारा आपको ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, ये आइवर हर्टन की और दूसरी भी। अच्छा, सिर्फ बुक पे मतलब अभी सिर्फ बुक की प्रैक्टिस कीजिएगा, गूगल वगैरह पे ना जाइएगा। मैं वहां कंसेप्ट लेने से मना नहीं कर रहा, आप गूगल से जाके कंसेप्ट जरूर ले सकते हैं। मसला बस ये है, मैं चाहता हूँ कि आपको बुक रीडिंग की आदत पड़े। अच्छा, लीनियर सर्च हमने की थी। देखिए, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली हमारे पास दो ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जहाँ जिसका हमें हमें फेस करनी पड़ती है, लाजमी हम फेस करते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं कि हम मतलब टेक्नोलॉजी जब हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज कर रहे होते हैं। पहली चीज तो ये है जी सर्चिंग, दूसरी है जी सॉर्टिंग। सर्चिंग में मैंने आपको लीनियर सर्च पढ़ाई है जी, लीनियर सर्च क्या होती है। अब मैं सॉर्टिंग का एक छोटा सा एल्गोरिदम आपके सामने वो पेश करने लगा हूँ, जिसको हम बोलते हैं जी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का नाम सुना है जी पहले किसी ने? यस सर, सुने क्या होती है बबल सॉर्ट, किसी को पता हो जी? नहीं सर, मतलब, हाँ जी, अरेंजमेंट अरे करते हैं अरे को। की अरेंजमेंट करते हैं, मतलब क्या अरेंजमेंट करते हैं? मैं कुछ कुछ थोड़ा सा समझाएं मुझे किसी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जी। में उसको बिल्कुल हम ऐसे ही अरेंज है, बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं। अच्छा देखें, पढ़ी हुई है आप लोगों ने सी में ये? सी में पढ़ी थी सर हमने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, उसी को ही, मतलब वही सेम एज इट इज, वही कोड है, वही कंसेप्ट है, वही चीजें सारी। थोड़ा सा उसको बता दूं बस, ये बबल सॉर्ट होती क्या है। बबल सॉर्ट देखें ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके पास जो एडजेसेंट बॉक्सेस होते हैं, मतलब अरे के हमें पता है कि जी बॉक्सेस होते हैं या इंडेक्सेस होते हैं, जो मतलब एडजेसेंट इंडेक्सेस है ना, उनको आपस में कंपेयर करवाता है,
और कंपेयर करवाने के बाद उनको स्वैप करवा देता। मतलब कंपेयर क्या करवाता है, वो ये करवाता है कि यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। वो ये देखता है क्या हमारे पास 2 जो है वो 4 से छोटा है। जी छोटा है, अगर छोटा है तो आप ऐसा करो 2 को इधर ले आओ, 4 को इधर, मतलब आगे नेक्स्ट में ले आओ। तो ये चीज जो होती है हमारे पास स्वैपिंग होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पब्लिक टाइप का एक मेथड बना रहा हूँ जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं, मतलब रिटर्न टाइप उसकी वाइल्ड है कि मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जी, सॉरी, उसका नाम लिख दिया यहाँ पे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को चलने के लिए क्या चाहिए जी, बबल सॉर्ट को चलने के लिए हमारे पास एक अरे चाहिए। बबल सॉर्ट को चलने के लिए अरे, अरे के बाद इसको साइज देने की जरूरत नहीं है हमें। और क्या चाहिए जी, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अरे इसको चलने के लिए एक अरे चाहिए। अब जरा देखते हैं कि होगा क्या, हम इसके अंदर एक लूप चला रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं जी फॉर लूप। फॉर लूप कब तक चलेगी जी, इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। और आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। अच्छा मेरी बात समझिएगा जी जरा, ये मैं तेज से इसलिए कर रहा हूँ, इसको समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं फिर कभी आपकी इसके साथ बनवाऊंगा। अभी बस जस्ट एज इट इज जो कोड लिख रहा हूँ ना, उस कोड में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा कि सर इस लाइन की समझ नहीं आई। बाकी जो है इसका इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह ड्राई रन करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ बनवा दूंगा कि ये काम कैसे करती है। अभी बस फिल वक्त मेरे साथ रहें, जो मैं कर रहा हूँ ना उसको बस आप एनालाइज करें कि ये क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा जी, फिर मैंने एक और लूप बनाई, उसमें मैंने जे बोल दिया और जे को मैंने बोला जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक हमारे पास आउटर लूप है, एक हमारे पास इनर लूप है। इनर लूप में भी जे को भी 0 से स्टार्ट किया, आई को भी 0 से स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आएगा अरे डॉट लेंथ -1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा जे इज लेस देन अरे, सॉरी, ए डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, लेंथ -i -1 और यहां पे मैंने कर दिया जे प्लस प्लस। अब सिंपल इसमें फॉर लूप में जाके, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैंने फॉर लूप की ब्रैकेट ब्रेसिस जो है वो नहीं बनाई। अच्छा जी, अब फॉर लूप में जाके मैंने सिंपल एक कंडीशन वो करवानी है। उस कंडीशन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने ये चेक करना है इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन, किससे, ए ऑफ जे +1, मतलब जे वाला इंडेक्स उसके अगले इंडेक्स से। हमने कहा था जी ये जी सिर्फ अपने जो एडजेसेंट है उसके साथ सिर्फ ये कम्युनिकेट करता है, ये ऐसा नहीं है कि जी वो करेगा और किसी के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। और सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है जो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में मुमकिन हो सका तो हम उनको करेंगे। अभी बस ये है कि जो उसका एडजेसेंट है ना, मतलब 0 वाला 1 के साथ कंपैरिजन करवा सकता है, 1 वाला 2 के साथ करवा सकता है, 2 वाला 3 के साथ करवा सकता है, 3 वाला 4 के साथ करवा सकता है, बस ये हमारे पास हो रहा है। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि आपके पास ए ऑफ जे +1 से बड़ा है तो क्या करो, सिंपल आप ऐसा करो स्वैप करवा दो इनको। स्वैप कैसे, क्या करवाएंगे जी, स्वैप करवाने के लिए हमें स्वैप का एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो भी हम फंक्शन या सॉरी मेथड जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला जी पब्लिक, और बल्कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्यों, वाइल्ड, और यहाँ पे हमने कर दिया स्वैप। स्वैप को चलने के लिए 2 पैरामीटर्स चाहिए और ये 2 पैरामीटर मैं एड्रेस टाइप के ले रहा हूँ। एड्रेस टाइप के क्यों ले रहा हूँ मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ये एड्रेस टाइप के 2 वेरिएबल लिए मैंने, ठीक है, पॉइंटर टाइप के। पॉइंटर याद है जी किसी को भी नहीं याद? हाँ याद है सर। जी, पॉइंटर क्या करता है? सर ये वैल्यूज के साथ साथ एड्रेस भी उसको सेंड करते हैं जिसको हम दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये मतलब जो हमारे पास पर्टिकुलर एक इंडेक्स होती है उसका एड्रेस सेव किया होता है, एड्रेस होल्ड किया होता है। अच्छा जी, ये यस हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, किस चीज़ का एरर है, ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मिसिंग मेथड डिक्लेयर,
किसी को समझ आ रही है जी यार, ये आ रहे किस चीज का? सर ये मेरे ख्याल से नहीं ठीक है वैसे तो मैं चलें खैर, हमारा टाइम थोड़ा, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं ना स्वैप का फंक्शन बनाने के बजाय इसको वैसे ही स्वैप करवा देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा वो सारा डाइवर्शन जो है ना हट जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैंने मतलब इनको स्वैप करवाना है, तो स्वैप कैसे करवाते हैं, कोई किसी को याद है जी क्या करते हैं स्वैप के लिए? सर एक अलग से सर करिए सर स्वैप के लिए एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ता है, एक वेरिएबल थर्ड अलग वेरिएबल। बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्प, या उसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। जी ठीक है, सर तो जी सर मैंने यहाँ पे बोल दिया जी टेम्प, और टेम्प में मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे, ठीक हो गया, और ए ऑफ जे इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए ऑफ जे प्लस वन जे प्लस वन आ गया, और फिर क्या आएगा जी, ए ऑफ जे ए प्लस प्लस वन वन इज इक्वल टू एम। टेम्प, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्वैपिंग होगी, सिंपल इज दैट, कि हमने मतलब कोई ऐसी चीज, वो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाई, सिर्फ 4-5 लाइन का कोड है, उसमें हमने एक आउटर लूप यूज किया, फॉर लूप, फिर इनर लूप यूज किया, इनर लूप के बाद हमने जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन करवाया, और कंपैरिजन के बाद हमने स्वैप करवा दिया। सिर्फ ये 3-4 स्टेप है, और इसमें बड़ी कोई चीज नहीं है। अच्छा अब देखें, हमारी यहाँ पे ये जो बबल सॉर्ट है, ये सॉर्ट तो हो गई है अरे। अब अरे सॉर्ट होने के बाद अब हमने इस अरे को डिस्प्ले भी करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ पब्लिक वर्ल्ड, और यहाँ पे शो का मेथड बोल देता हूँ, शो या डिस्प्ले या प्रिंट, जो भी आप करना चाह रहे हैं, मैं प्रिंट उसको बोल देता हूँ। प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक अरे देनी पड़ेगी, इंट अरे, जिसको मैंने प्रिंट करवाना है, और इसको भी मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर लूप चलाई, फॉर लूप में मैंने कहा जी इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूँ, जैसे आई मैंने ऊपर यूज किया, आई मैंने यहाँ पे भी यूज किया। अब देखो रूल तो ये है कि एक वेरिएबल जो आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, उस नेम का आप कहीं और वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर सकते, पर विद इन अ स्कोप आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉर लूप का ये आई है ना, ये फॉर लूप के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब ये वाला आई दोबारा से मतलब वो जनरेट होगा। अब इसको मैंने बोल दिया आई इज लेस देन अरे, सॉरी ए डॉट लेंथ, और यहाँ पे फिर मेरे पास आ गया आई प्लस प्लस, और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट की कमांड दी, और मैंने यहाँ पे आउट की स्पेलिंग ठीक कर ले। जी आउट के स्पेलिंग यहाँ पे मैंने ठीक कर लिए जी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया आई, और पहले आई को ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस करके यहाँ एक ऐसे कर देते हैं, और अब यहाँ पे हमने डेलिमीटर या सेमी कॉलन, यहाँ तक जी हमारा कोड कंप्लीट है, पर हमारे कोड में कोई एरर नहीं है जी। अब मैं मेन में जाके क्या करने लगा हूँ, अरे मेन में जाके मैं एक अरे बनाने लगा हूँ, इंट अरे, अरे का नाम मैं कुछ भी यानी कि बी रख देता हूँ यहाँ पे बी, और यहाँ पे मैंने इस अरे में इनिशियलाइज करवा दी कुछ वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या थी जी, ये 10 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 7 था, और इसको मैंने यहाँ पे करवा दिया खत्म। अब यहाँ पे मुझे अगर उस बबल सॉर्ट को बुलाना है, तो बबल सॉर्ट को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, कोई मुझे बताए जल्दी जल्दी, बबल मेथड को सर लिखना पड़ेगा यहाँ मेथड को कैसे लिखते हैं, मेथड को कैसे रेफरेंस करते हैं? उसका नाम हम लिखते हैं। मेथड का नाम डायरेक्ट लिखते, कोई और भी बताए यार, या आतिफ को ही समझ आ रही है बस जी। आतिफ क्या कह रहे हैं, फिर अब क्या करना चाहिए, खाली उसका नाम मेथड, लिखते हैं। मेथड का नाम? यस सर, नाम लिखने के बाद फिर उसमें अच्छा जी देखिए, मैं यहाँ पे बबल सॉर्ट लिख रहा हूँ, तो वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ये मेथड का नाम है।
अगर इसमें मैं अरे भी पास कर देता हूँ, अरे कौन सी है, बी पास कर दी, इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। भूल गए हैं यार, सारे चौकस हो इसको गए बैठे हैं। पहले किसी के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फिर ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। किसके साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा? ये कोई वेरिएबल बना लें उसके इक्वल रख के फिर ये इसको कॉल कर सिंपल इज सकते। दैट के सबसे पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है? ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी, ऑब्जेक्ट का नाम हमने न्यू, न्यू के बाद सॉर्टिंग और उसका कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चीज़ें सारी यार रिवाइज करें, ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। अच्छा यहाँ पे वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहा? क्योंकि इसकी हमने लाइब्रेरी इम्पोर्ट नहीं करवाई, ठीक है? लाइब्रेरी हाँ, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यस सर। आर्ट एंटर किया तो हमारे पास ये सॉर्टिंग वाली क्लास की लाइब्रेरी। जस्ट अ मिनट प्लीज, व्हाट इज दिस? इसने नई क्लास बना दिया भाई, हमें नई क्लास नहीं बनानी। अच्छा देखें, हमारी क्लास का नाम हमने बाई मिस्टेक, मतलब टाइपो एरर, हमने सॉर्टिंग रख दिया, ठीक है? इस वजह से वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। तो बजाय इसके अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो ये सारा कोड जो है ना वो खराब होगा, क्योंकि पैकेज में इसका और नेम है। मैं जरा करके देख लूँ, अगर हो जाता है यहाँ पे सही तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉर्टिंग। ये देखें यहाँ पे इसको, मतलब नहीं, हमें क्लास बनानी पड़ेगी। इस वजह से इस क्लास का नाम जो है ना, अब जो गुनाह हमने उठा लिया उसको अपने सर पे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम उसी चीज को वैसे ही मतलब कर लेते हैं। ये टाइपो एरर थी और कोई नहीं है जी। अब देखें जी, अब यस हमारे पास उसको रिकग्नाइज कर रहा है, ठीक हो गया जी। अब सर। एबीसी डॉट, अब हमारे पास आ गया बबल सॉर्ट का मेथड। बबल सॉर्ट में हमने बी वाली अरे पास कर दी। जैसे ही हमारे पास अरे पास हो गई, अब हमें इसको प्रिंट भी करवाना है, तो एबीसी डॉट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट में फिर हमने बी दे दिया। बी में हमारे पास क्या वैल्यू है जी? 10, 3, 5, 2, 1, 7 हमारे पास वैल्यू क्या आने चाहिए? 1, 2, 3, 5, 7 एंड 10। देखते हैं नहीं हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है या नहीं आती। अच्छा जी, F6 के साथ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है जी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा जीरो क्यों आया? देखें जीरो हमारे पास इस वजह से आया कि वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंडेक्स ले रहा है। सॉरी 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 सॉरी, वो इंडेक्सेस हमें शो करवा रहा है, हमें वो वैल्यूज नहीं प्रिंट करवा रहा जैसे हमने आई लिखा हुआ है वहां जी। पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमने ए ऑफ आई लिखना था, ए ऑफ आई, ठीक हो गया जी। यहाँ हमने इसको सेव कर दिया। अब जरा F6 के साथ मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये हमारे पास जी देखें 1, 2, 3, 5, 7 एंड 10। यानी हमारे पास जो अरे यहाँ पे हमने दी हुई थी, यहाँ पे आप कोई भी अरे दें, कोई भी अरेंजमेंट दे दें, यहाँ पे उसको वो सॉर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो हमारे पास ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। तो ज़रा मैं चला के देखता हूँ जी इसको, हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा वो पुराना ही ओके बिल्ड, हाँ जी, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10 सॉल्ट हो गया रे। मतलब हमने एक जनरल टाइप का एक एल्गोरिदम ऐसा बना लिया जो क्या करता है, जिसको कोई भी अरे पास कर दो तो वो जो है ना वो कर लेता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं ये समझूंगा कि आपको समझ आ गई है, और अगर आपको समझ आ गई है तो इन फिर जी। सारों को मेन में भी चला सकते हैं ना, मेथड अगर ना भी बनाए तो मेन में भी चला हाँ सकते हैं। जी, ये सारा आप मेन में भी लिख सकते हैं, पर मेन में लिखने का मसला ये होता है, देखो कुछ कोड ऐसा होता है जिसको हमने मुमकिन है इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया, हो सकता है हम किसी अगले प्रोजेक्ट में भी यूज़ करें, तो फिर कोड की रीयूजबिलिटी तो ये कहती है कि आपने क्लास लिख ली है, अब सिंपल आप उस क्लास को इम्पोर्ट करवा लो। अब होगा क्या कि अगर आप ऐसा नहीं मतलब करोगे कि वो उसको मेन में लिखोगे, फिर आपको दोबारा से वो कोड सारा जाके लिखना पड़ेगा, मतलब एक जगह से कॉपी किया फिर पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो ये चीज़ है ना थोड़ी सी कन्वीनियंस होती है। फिर एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि मुमकिन है कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट में आपने इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लिया, अब आप ये कह रहे हैं कि वो चेंज सब में अप्लाई हो, तो सब में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। अब ये फाइल सेपरेट है, इस फाइल में बस आप मतलब चेंज करो, ये जिस जिस जगह पे कॉल हुई है ना वहां सब में वो चेंज जो है ना ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा।
यस सर। ठीक हो गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी, जरा मैं चेक कर लूं बंदे मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं। हारून है इधर जी, प्रेजेंट है? जी सर प्रेजेंट। रमजान प्रेजेंट है जी? अच्छा जी। उजैर प्रेजेंट है? यस सर। मुबशरा आप प्रेजेंट है? यस सर। अच्छा जी। अली अब्बास? यस सर प्रेजेंट। अहमद अकरम? नुमान मुनीर? जैनुल आबिदीन? अब्दुल मुहेमिन? यस सर प्रेजेंट सर। नादिया बाजवा? यस सर। बिलाल रजा? जी सर। सुहेल? यस सर। अलवीना अजीम? अच्छा जी। एहतशाम? यस सर। और सबा महमूद? यस सर। सर वो अलवीना प्रेजेंट है लेकिन उसका माइक का मसला है इसलिए आवाज नहीं आई। उनका मैसेज आ गया, वो उन्होंने कर दिया। चलें जी, गुड। अच्छा देखें, ये जो हमने आज कोड किया ना, मतलब एक तो मैंने आपको वो टास्क दिया हुआ है कि आपने वो बुक रीडिंग करनी है, दूसरा आपने सिंपल ये कोड एज इट इज इसको करके, मतलब आप इसको फुल डिटू कॉपी मारे, मैं इसको नहीं कह रहा कि आप इसको कुछ मतलब समझे या ये वो, इसकी कॉपी करें बिल्कुल जैसे किया वैसे ही करें, और इसको कोशिश करें इसके थोड़ा सा, मतलब हमने ड्राई रन का एक मैंने आपको चीज दी थी, वो ड्राई रन की प्रैक्टिस करें जरा इसकी। ड्राई रन में आपने करना क्या है देखें, सबसे पहले आपने बताना है कि आई इसकी जीरोथ लोकेशन चल रही है, ठीक है? पहले आई जीरो होगा, फिर ये जे कहाँ तक चलेगा, यानी कि जे लेस देन, इसकी आपने पूरी एनालॉजी बनानी है, मतलब जे में जीरो है और यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या वैल्यू आ रही है, मतलब फर्ज करें यहाँ पे फोर आ रही है, आपने कहा जी फोर इज ग्रेटर देन जीरो, जी हाँ ग्रेटर देन है, फिर आपने ये कोड चलाया, फिर आपने तब तक ये चलाते रहना जब तक ये कोड टर्मिनेट नहीं होगा, टेम्प में क्या आ रहा है, ए ऑफ जे में क्या आ रहा है, और जे प्लस वन में क्या आ रहा है, वो सारा वही ना, इसका एक मरतबा करके देखिएगा, ड्राई रन करके देखिएगा पेपर पे। और ये दोनों अभी आपके असाइनमेंट नहीं है, पर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब आप जो है ना उस पर करके देखें, इन चीज़ों पर काम करके देखें, और आपको ये समझ आए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी के रिगार्डिंग ऐसी जो हमने चीजें की हैं तो वो कर सकता है जी। चलें जी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, करें अपना काम, करें तैयारी करें, और ये जो है ना ये सारी चीजें मुझे करके एज सून एज पॉसिबल मेरे साथ ना इसकी कम्युनिकेशन कीजिएगा जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह पाक खैर करे।